31 नंबर प्रश्न से, यानी हिंदी था, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि नियोजन। उसके बाद यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है, रिज का विलोम शब्द है, तो इसका उत्तर जाएगा 4, यानी कि वक्र। उसके बाद मिलाते जाइएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विश्लेषण का निर्देश अशुद्ध है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 4, यानी कि वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य से सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 2, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 2, यानी कि चील, चील पुल्लिंग है। उसके बाद प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा पहला वाला 1, यानी कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, सुमेल कीजिए करने के लिए आया था, तो ये तीसरा इसका उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि CAB कैब वाला सही हो जाएगा, और यानी कि तीसरा। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे 38 नंबर प्रश्न पर, तुलसीदास की रचनाकार है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 4, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है, तो इसका उत्तर पहला हो जाएगा, यानी कि प्रभा खेतान। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि रैदास। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा 3, यानी कि कृतवाच्य, क्योंकि राम जो है वो आम खा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है, रहमन पानी राखी बिन पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानस सुन, तो इस दोहे के कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार 3 सही हो जाएगा, यानी श्लेष अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द जो है वो है, शब्द शुद्ध है, तो इसका उत्तर सही जाएगा 3, यानी अंक, अंक जो है वो सही है। और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, चांद भी गलत है, अंगना, अक, अक अमन से जो है इसमें से जो है सही होगा, अंक भी इसमें से गलत लग रहा है, अंगन दिया है, आंगन होना चाहिए, आंख में जो दिया है ये ऊपर जो है चांद बिंदु होना चाहिए, तो यही 3 वाला सही होगा। आप आते हैं 44 नंबर प्रश्न पर, 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 3, यानी कि सनिधि। अब आते हैं दूसरे नंबर पेज पर, हिंदी के पेपर फर्स्ट के, तो ये है आपका UPTET एग्जाम 8 जनवरी का पेपर फर्स्ट का हिंदी का अगला प्रश्न का उत्तर, यानी 45 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो उत्तर सही हो जाएगा 4, यानी कि समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। 46 नंबर प्रश्न है, घोंसले की चिड़िया है में कौन सा कारक है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, एक मिनट, क्लिक नहीं हो रहा, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा संबंध कारक। आगे वाला प्रश्न यहाँ पर है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे बाद सीमित हैं, उत्तर जाएगा 2, यानी राजनीतिक क्षेत्र तक। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, 48 उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, तो इसका उत्तर 2 सही जाएगा, यानी राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। अगला प्रश्न है, 49 कनुप्रिय की रचनाकार कौन है, इसका उत्तर सही जाएगा 2, यानी धर्मवीर भारती। प्लुत स्वर कौन सा है, तो इसमें उत्तर का सही हो जाएगा पहला, यानी ओम। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, यानी खेत। 52 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 2, यानी कि धड़ाम। अगला नंबर प्रश्न है, 53 छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना।
54 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा पहला, यानी कि ये ऋक् प्लस वेद। अगला प्रश्न पर आते हैं 55 नंबर, आप बीती शब्द का समास है, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी कि तत्पुरुष समास। 56 नंबर प्रश्न है, इस पद्यांश में कौन सा रस है, ये ऊपर जो पद्यांश दिया गया है इसमें से कौन सा रस है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर चार, यानी कि श्रृंगार रस सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 57 नंबर, उपरोक्त पद्य किस कवि का है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर चार नंबर, यानी तुलसीदास। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचता रहे। 58 नंबर प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इसका उत्तर सही हो जाएगा पहला, यानी स दंत। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सा कथन अशुद्ध है? इसका उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाया है इसमें बताया कौन सा कथन अशुद्ध है। निम्नलिखित में से ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, दो महाप्राणा व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, विसर्ग कंठ वर्ण है, तो इसमें से जो है ये चौथा वाला जो है सही हो जाएगा, यानी 59 का चौथा सही होगा, 6 संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मेरे लड़के ने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा चार, यानी कि बहुवचन सही हो जाएगा। ये था हिंदी का। अब आते हैं आगे सब्जेक्ट पर, पेपर फर्स्ट का। अगर हमारा वीडियो पेपर सेकंड का देखना चाहते तो वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर डायरेक्टली क्लिक करके भोजपुरी यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, हमारे चैनल पर आ जाएंगे, वहाँ पर वीडियो पर क्लिक करेंगे, सभी वीडियो आपके सामने होगा, वहाँ पर देख सकते हैं अपना पेपर सेकंड का आंसर। तो अब आपके सामने जो है वो 8 जनवरी को जो पेपर हुआ चिल्ड डेवलपमेंट का, यानी कि पेपर फर्स्ट में जो चिल्ड डेवलपमेंट विषय था उससे जो प्रश्न आए थे उसके बारे में यहाँ पर उत्तर देने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर प्रश्न दिया है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए, ऐसे करके यहाँ पर आया था। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, देख सकते हैं स्क्रीन में कैसा है, आप मिला सकते अपने प्रश्न पेपर से। तीसरा सही हो जाएगा इसका, यानी कि ये थर्ड फोर फर्स्ट सेकेंड वाला, यानी तीसरा ये सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, अगला नंबर प्रश्न है दूसरा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका उत्तर सही होगा तीसरा, यानी निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो इसका उत्तर सही होगा दूसरा, यानी कि 86वें संशोधन, दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, यानी कि मैक डूगल। उसके बाद अगला प्रश्न है, पांचवा, विकास के किस अवस्था को कूल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, यानी कि बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है यहाँ पर छठवा, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? इसका उत्तर सही होगा तीसरा, यानी कि गार्डनर। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, का दूसरा, यानी कि पढ़ने परिवर्तनी करने में। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न, क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? इसका उत्तर सही जगह पहला, यानी शिक्षक को निय सख्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पहला सही हो जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, इसका उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, यानी शारीरिक विकास से। उसके बाद निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा तीसरा, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, यानी कि आंत प्रज्ञ अवस्था। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं? तो यहाँ पर उत्तर सही इसका हो जाएगा पहला, यानी कि प्रस्तुतिकरण का ये हो जाएगा, यानी कि ये सेकेंड फर्स्ट आई वी, यानी कि 4, तीसरा 5वां, यही सही हुआ इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर सही जाएगा दूसरा, यानी कि अनुमूल्यन। अगला प्रश्न है पर 15वां,
निम्न में से कौन सा अधिकतम का वक्र नहीं है, अधिकतम का वक्र नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा चार, यानी कि आपका हो जाएगा लंबवत सही। अब आते हैं अगले पेज पर, तो ये है आपका चिल डेवलपमेंट का 16वां नंबर प्रश्न, इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर चार। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला प्रश्न है 17वां, पाठ्यगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, तो उसका सही हो जाएगा पहला, यानी छात्रों के सर्वांगीण विकास से। निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा चौथा, यानी बी एस ब्लूम। उसके बाद अगला प्रश्न है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, तो उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, यानी किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। निम्नलिखित में से कौशल में पूर्व जानक यानी पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, उत्तर सही हो जाएगा पहला, यानी कि प्रस्तावना कौशल। अब आते हैं यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पर, वीडियो को लाइक करें अगर अभी तक नहीं लाइक किए हैं। मानव किस विकास प्रारंभ होता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है दूसरा, यानी यहाँ पर गर्भावस्था से। अगला प्रश्न है 22, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, उत्तर सही हो जाएगा चौथा, आर एम गेन है। 23वां है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला व विरोधी की अवस्था है, ये कथन किसका है, तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा पहला, यानी कि स्टेनले हाल। 24 नंबर प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है, उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, यानी कि 36 मिनट लगता है। 25 नंबर प्रश्न पाते हैं सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया की मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती है, कथन किसका है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, यानी गेट्स व अन्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर 26, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की अधिगम है या किसने कहा है, इसका उत्तर सही हो जाएगा पहला, यानी गिलफर्ड। 27 नंबर प्रश्न है सूची ए तथा सूची बी को सम्मिलित कीजिए, सूची ए बी यहाँ पर निम्न दिया है जिस तरह से आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसका उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, यानी कि यानी ये वाला सही हो जाएगा, देख सकते हैं दूसरा नंबर, यानी कि चौथा तीसरा पहला सेकंड, ये दूसरा सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न आते हैं समस्या समाधान का प्रथम चरण है, इसका उत्तर सही हो जाएगा पहला, यानी समस्या की पहचान। अगला नंबर प्रश्न है यानी 29, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा पहला, यानी बालकों का संज्ञात्मक भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। अंतिम प्रश्न है यहाँ पर यानी कि इसका चिल्ड डेवलपमेंट का, उसके बाद आगे सब्जेक्ट पर आते हैं, सीमित स्तर एवं बोध स्तर की शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सुमोपान उभयनिष्ठ है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, यानी सामान्यीकरण। अब हम आते हैं अगले सब्जेक्ट पर, पेपर फर्स्ट, तो चार सब्जेक्ट और हैं उनके बारे में बता देते हैं, इंग्लिश बचा है, संस्कृत बचा है और यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज और मैथमेटिक। तो हम यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर संस्कृत, उसके बाद इंग्लिश बताएंगे। तो ये हमारे सामने खुल चुका है संस्कृत का, तो चलिए संस्कृत वाले करते हैं पेपर फर्स्ट का। तो पहला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर है, नदी ये शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, यानी कि बहुवचन। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न है, आक्रांत पुलिडंग शब्द का उदाहरण है, उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, यानी राम है। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न है, प्रीति से संधि है, चौथा नंबर सही होगा प्ररूप। 68 नंबर प्रश्न है, व वर्ण का उच्चारण स्थान है, तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि दंतुष्ट। घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है, उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, यानी जानू। उसको संस्कृत के एकून चतवारिंशत को कहते हैं, इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर दो, यानी कि 39। उसके बाद अगला प्रश्न है, द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है, उसका उत्तर सही हो जाएगा तीसरा, नी द्वे। उसके बाद यहाँ पर 68 नंबर पर से ददाति रूप है, इसका उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, यानी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद 59 नंबर प्रश्न है, गुरुपदेश है शब्द में प्रयुक्त संधि है, इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, यानी दीर्घ संधि है। उसके बाद उपसर्ग है, इसमें से पूछा गया है उपसर्ग है, तो इसमें उत्तर जाएगा तीसरा, यानी परा जो है वो ये उपसर्ग है। सर्वनाम शब्द है, इसमें से दिया गया है कई, स्थूल सर्व पुत्र प्रातः, उत्तर सही हो जाएगा सर्व। आते हैं ये 72 नंबर प्रश्न पर, कुजर शब्द का अर्थ है, इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, यानी हाथी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, 73, मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप में होता है, इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर पहला, यानी मात्रा। सुबंधु की रचना है, इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, यानी कि वासवदत्ता।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो इसका उत्तर सही जगह यहाँ पर दूसरा यानी कि व्री, व्री जो है वो स्वर है। आते हैं अगले नंबर पेज पर यानी कि इसी का संस्कृत का ही, तो ये 76 नंबर प्रश्न, गोधूम शब्द का अर्थ है? तो उत्तर सही जगह पर पाला यानी गेहूं, गेहूं जो है गोधूम शब्द का अर्थ है। तो उसके बाद विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका उत्तर सही जगह चौथा यानी नमस्ते। स्पर्श संज्ञम वर्गों का संख्या है? उत्तर सही जगह यहाँ पर दूसरा यानी कि 25। बालिका इस पद में प्रत्यय है? तो इसका उत्तर सही जगह चौथा यानी टाप। यानी पर्यंत में उपसर्ग है? तो इसका उत्तर सही जगह दूसरा यानी कि परी, परी। 81 नंबर प्रश्न है, मनोरथ है से संधि है? तो उसका उत्तर सही होगा तीसरा यानी विसर्ग संधि है, मनोरथ है। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न है, नेत्रिभ्याम अश्रुणि पतन्ति में नेत्राभ्यम पद में विभक्ति है, विभक्ति कौन है इसमें? तो पहला सही होगा यानी पंचमी विभक्ति, पहला सही होगा। 83 नंबर प्रश्न है, अश्नि शब्द का शब्द है? तीसरा सही होगा यानी पुल्लिंग। अगला नंबर प्रश्न है 84, तया निपु अनुगमयते में वाच है? इसका उत्तर सही हो जाएगा दूसरा यानी कि कर्मवाच। 85 नंबर प्रश्न है, यु पदारु पद में समास है? इसका उत्तर सही हो गया चौथा यानी कि तत्पुरुष, तत्पुरुष है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो यहाँ पर दिया है 4 नंबर सही होगा यानी दुर्जनों की संख्या जो है वो कम है समाज में। और यहाँ पर आते हैं जो है 87 नंबर प्रश्न पर, उपयुक्त गद्य के अनुसार द्विदृष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? इसका उत्तर सही जगह यहाँ पर दूसरा यानी कि क्योंकि सज्जन तलरस्त हो रहते हैं। अगर आप किसी अन्य सब्जेक्ट का देखना तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। निम्नलिखित श्लोक को पढ़िए, इसमें संबंध प्रश्न 88 और 89 के उत्तर दीजिए, महान वृक्षो जायते वर्धते च। यहाँ पर पूरा दिया है, उसके बाद यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न है, इस श्लोक का भाव है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर पहला यानी कि वृक्ष को काटना या जलाना नहीं चाहिए, यही इसका भाव है। 89 नंबर प्रश्न है, उपयुक्त श्लोक में भूतान का तात्पर्य है? वही जो ऊपर था, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा दूसरा यानी प्राणी। 90 नंबर प्रश्न है यानी अंतिम प्रश्न यह है संस्कृत का, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है? उत्तर सही हो जाएगा आपका तीसरा यानी भाव। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट पर, तो यहाँ पर ये है आपका पेपर फर्स्ट का जो है इंग्लिश पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं, इसका उत्तर कौन सा होगा? इसके बाद मैथमेटिक बचा है, एनवायरमेंटल बचा है, तो वीडियो को देखते रहें पूरा मिलाने के लिए। तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड यानी भाषा अंग्रेजी। 61 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट? उत्तर यहाँ पर इसका जो है अभी उपलब्ध नहीं है, इसका उत्तर जो है फॉलोइंग अल्टरनेटिव ग्रामेटिकली करेक्ट, ऑल दीज मेन आर जेंटल, ऑल दीज मेन आर जेंटल, ऑल दीज मेन आर जेंटल, ऑल दीज मेंस आर जेंटल, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ऑल दीज मेन आर जेंटल। तो इसमें जो है सही हो जाएगा, अभी हम बताते हैं, इसका उत्तर सही हो जाएगा तीसरा यानी ऑल दीज मेन आर जेंटल। आते हैं अगले नंबर प्रश्न पर, 62, फिल द ब्लैंक विथ अपुरिएट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन ही केम टू मी मिडनाइट, उत्तर सही हो जाएगा दूसरा यानी येट। आते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लास, उत्तर सही हो जाएगा पहला यानी आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज जूनियर मी, उत्तर सही हो जाएगा आपका चौथा यानी कि देन। यहाँ पर प्रश्न है 65, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट कंजक्शन आइदर ही इज मैड ही फिगर्स मिडनेस, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा चौथा यानी कि और, चौथा सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा चौथा यानी कि माई वॉज वॉज लास्ट। यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, उत्तर इसका सही होगा चौथा यानी कि लेट इट बी डन, उत्तर यहाँ पर 68 का देखते हैं। 68 यहाँ पर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा चौथा यानी कि क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सही होगा। 69 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल,
इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, यानी कि माइस, माइस 69 का सही होगा। 70 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 70 का यहाँ पर सही हो जाएगा पाला, यानी कि कॉमन जेंडर है। ही वाज ऑर्फन एंड लाइव्ड विथ हिज अंकल इन द अबो गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाइड जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। तो ये पाला सही होगा कॉमन जेंडर। 71 नंबर प्रश्न, पॉइंट ऑफ द सेंटेंस विच इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, यानी कि आई हैड राइटन माई लेटर बिफोर ही अरिविड। उत्तर यहाँ पर 72 का सही हो जाएगा पहला, यानी कि द कामा द, यानी दो बार द इसमें फिल किया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल यहाँ पर दिया है, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। तो ये सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, उसका उत्तर सही होगा दूसरा, यानी कि एन सही होगा, यहाँ पर एन भरा जाएगा एन आवर। उसके बाद 64 नंबर प्रश्न है, एट द राइट सफिक्स टू प्लराइज द वर्ड ऑक्स, ओ एक्स, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा इसका तीसरा, यानी कि ई एन। यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न है, चेंज द वर्ड ग्रो इन इन नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। उत्तर सही होगा इसका दूसरा, यानी कि टी एच सही हो जाएगा। अब आते हैं इंग्लिश के दूसरे पेपर पर, तो इंग्लिश के ये अगला नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं, 76 नंबर, इन विच फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट वर्ब ऑफ फेमिनाइन जेंडर। तो इसका फेमिनाइन जेंडर में तीसरा सही हो जाएगा इसका उत्तर, ऑल इन द फीमेल मेंबर हैड अ रिबिट। तीसरा सही हो जाएगा 76 का, 77 का यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि द डायरेक्ट मेथड। 78 नंबर प्रश्न, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट कॉन्फिडेंस ऑफ राइटिंग इंग्लिश यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड दे हैड जस्ट। इसका उत्तर सही होगा दूसरा, यानी कि रीड। 79 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, यानी कि प्लीज लिसन टू योर टीचर। 80 नंबर प्रश्न है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस सेंटेंसेज, उत्तर सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि आई डू नॉट बिलीव हिम। 81 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसका उत्तर सही हो जाएगा पहला, यानी कि इफ सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस, उत्तर चौथा सही होगा फॉर। तो यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न है, 83 द वर्ड फास्ट इन सेंटेंस, उत्तर चौथा सही होगा एन एडजेक्टिव, फास्ट जो है वो एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस, उत्तर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, यानी कि सी रीड्स व्हाट सी लाइक्स। 85 नंबर प्रश्न है, द सेंटेंस ही विल प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा इज इन के बाद, यानी पहला फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, ऊपर का दांश दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न है, द वर्ड स्ट्रेंथ इज ए, पहला सही हो जाएगा यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 87 नंबर प्रश्न है, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज, उत्तर सही होगा दूसरा, यानी ए स्ट्रॉन्ग मैन। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडर रोडेन, उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, यानी कि एक्सप्लोरेड। अगला नंबर प्रश्न, 89, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा, उतर सही हो जाएगा चौथा, यानी सिमिल स्माइल, यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद सिमिल, उसके बाद 90 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सेंटेंसेस इज आर करेक्ट, उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, यानी कि यहाँ पर जाएगा वल्ली सी, यानी ये वाला सही होगा, ही सुवेर लिटिल मैक्सी टू द वन क्वाइसिट। तो ये इंग्लिश का था, अब आते हैं अगले पेपर पर। तो यहाँ पर ये है एग्जाम पेपर 8 जनवरी, पेपर फर्स्ट का, ये गणित, यानी 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, यानी कि दो सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि अभी देखिए 25 मिनट लगभग लगभग हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न, लिखने से कोई सी तीन मापों को लेकर के कुल त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, भुजा का माप 1-2 सेमी, यानी 4.2 सेमी है। तो इसका उत्तर सही होगा यहाँ पर तीसरा, यानी कि एक सही हो जाएगा। हम आपको उत्तर बता रहे हैं, प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, 93 नंबर का यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि 4/9। 94 नंबर प्रश्न है, सरल कीजिए, यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं इस तरह का प्रश्न है, और यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा इसका दूसरा, यानी कि -5। 95 का यहाँ पर प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर जो होगा वो 2 होगा, यानी कि 12 होगा। यदि मास ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में ए दिया है और 8 दिया है बराबर
चार, और लस इतना दिया है तो 24 हो, तो एक अमान गेट कीजिए, तो एक अमान जो है वो दो सही जाएगा, यानी कि 12 सही जाएगा। पंचानवे का 12, छानवे का यहाँ पर सही जाएगा दूसरा सही, यानी 120 वाला सही जाएगा। यहाँ पर संतानवे प्रश्न दिया है, संतानवे का यहाँ पर सही जाएगा तीसरा, यानी कि बी सी डी। और यहाँ पर हम आते हैं 98 नंबर प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका उत्तर सही जाएगा पहला, यानी एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। 99 नंबर प्रश्न का उत्तर सही है पहला, यानी 6 सही होगा, एक बहुभुज के अंत मतलब पढ़ लीजिएगा इसका लेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न पर आते हैं, एक सरल रेखा पर स्थिति बिंदु की संख्या होती है, इसका उत्तर सही हो जाएगा तीसरा, यानी असंख्य। 100 का तीसरा सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न का सही होगा यहाँ पर पहला, यानी कि 6 सही हो जाएगा, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, 6 सही हो जाएगा। अब आते हैं 102 नंबर प्रश्न पर, 10 रुपए के 6 की दर के केले खरीदार रुपए 6 में 4 की दर में बेचने कितने प्रतिशत होगी, इसका उत्तर सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि 10%। 103 नंबर प्रश्न का यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा पहला, 103 का पहला सही हो जाएगा यहाँ पर ए बी, ए कमा बी। आते अगले नंबर प्रश्न पर, 104 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या होगा, तो यहाँ पर उत्तर सही होगा इसका चौथा, यानी कि ए डी, ए वाला और ए वाला, यानी कि 0.01% और ए डी वाला, यानी 1/100%। 105 नंबर प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के अंतर या गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है, उत्तर यहाँ पर सही होगा तीसरा, यानी 5/36। अब यहाँ पर जो है इसके अगले पेज पर आते हैं, इसके अगले प्रश्न पर गणित के, ये देख लीजिए पार्ट नंबर देखिए 4 है मैथमेटिक्स का, तो जो ये किए हैं वो अपना इसमें से मिलाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न का यहाँ पर दूसरा सही होगा, तो ये पेपर फर्स्ट का जो है अंतिम सब्जेक्ट बचा है, यानी कि ये आपका जो है इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय अध्ययन का। चलिए यहाँ पर 121 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वो है, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा इसका पहला, यानी एकुर्निया क्रास्पिस, जलकुंभी यानी कि। उसके बाद 122 नंबर प्रश्न, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, उत्तर हो जाएगा पहला, यानी यह प्रजनन नहीं कर सकता। 123 पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, उत्तर सही हो जाएगा चौथा, यानी कि यहाँ पर इथाइलिन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला आवरी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो है, उत्तर सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि एजोटोबैक्टर। 125 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार का यह DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, उत्तर सही हो जाएगा पहला, यानी कि बी DNA। 126 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सही होगा 2, यानी कि बम्बई से थाने के बीच। 127 नंबर प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, यानी कि सोनपुर में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, इसका उत्तर सही हो जाएगा दूसरा, यानी कि 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। 129 का प्रश्न यहाँ पर का उत्तर होगा दूसरा, यानी अनुच्छेद 14 से 18 यहाँ पर समता के अधिकार को लेखन संविधान के अनुच्छेद से मिलता है, ये उत्तर सही होगा दूसरा, यानी 14 से 18। 130 प्रश्न यहाँ पर, किस देश में लचीला संविधान लागू है, इसका उत्तर सही होगा यहाँ पर चौथा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। 131 पूर्वक किस अधिवास में शामिल है, इसका उत्तर सही रहेगा तीसरा, यानी कि अपखंडित। 132 नंबर प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, उसका उत्तर जो है वो जाएगा चौथा, यानी कि किलिमंजारो। उसके बाद 133 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, इसका उत्तर सही जगह पहला, यानी मुंबई तट पर एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। 134 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, यानी कि 70 से 200 सेंटीमीटर। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है, तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर 132 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न पर आते हैं, 135 नंबर प्रश्न है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार। अब यहाँ पर जो है 136 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, तो इसका उत्तर सही रहेगा चौथा, यानी पंचायती राज संस्थाओं में। उसके बाद 137 नंबर प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए, तो इसका उत्तर सही रहेगा 35 वर्ष होनी चाहिए।
138 यहाँ पर सूची करके दिया है सुमिलित कूट चुनने के लिए, तो यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा सही, यहाँ पर पहला यानी ए सी डी बी सही हो जाएगा यहाँ पर, कि ए यानी भारतीय संघ, ए प्रधानमंत्री, सी यानी नगर निगम, सी राज्यपाल, उसके बाद डी यानी कि ग्राम पंचायत मेयर, और उसके बाद जो है यानी बी यानी कि ये राज्य भी सरपंच। 139 का आते हैं अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ, इसका उत्तर सही जाएगा अनुच्छेद 356 इसका उपलब्ध नहीं है और इसकी जानकारी भी हमें नहीं है तो हम गलत नहीं आप लोगों को बताएंगे। 140 नंबर प्रश्न का, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर दूसरा यानी कि गृह कर लगाया जा सकता है। 141 का यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तर तीसरा यानी कि टुंड्रा प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सी किस प्रदेश में रेडियार पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश में उत्तर सही होगा। 142 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, जिसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर दो यानी कि कंपास। 143 नंबर प्रश्न, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर पहला यानी एशिया जो है जनसंख्या के आकार में जो है बृहत्तम महाद्वीप है। 144 नंबर प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर पहला यानी कि उत्तराखंड में, भारत में थार जनजाति कहाँ निवास करती है, तो उत्तराखंड में, इसका तो हमें लग रहा है गलत है, थार मरुस्थल में इसका शायद होगा सही, हमारे हिसाब से थार जो है वो सही होगा या पर उत्तराखंड बताया गया गलत लग रहा है। चलिए आप आते 145 नंबर, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो इसका उत्तर सही जगह यानी पहला छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है 146, निम्नलिखित में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है, उत्तर सही जगह दूसरा यानी लीच। 147 नंबर प्रश्न, प्रोटीन अणु की इकाई है, इसका उत्तर सही जगह यहाँ पर पहला यानी अमीनो अम्ल। 148 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अंक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, इसका उत्तर सही जगह यहाँ पर चौथा यानी कि तारकीय तारक काय सही हो जाएगा इसका चौथा नंबर। 147 का चौथा सही होगा। 149 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी यानी बड़ी ग्रंथि है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर चौथा यानी यकृत, बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। 150 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो इसका उत्तर तीसरा सही होगा यानी कि सारस क्रेन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन। ये कैसे होगा आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोगों में, तो आपको जो है एक उड़ता हुआ चिड़िया की तरह होता है, आप मान कर चलिए कोई भी ऐसे लोगों हैं जो कि विभागीय उसमें आप देख पाएंगे कि एक उड़ता हुआ पक्षी की तरह होता है बीच बीच में, तो इसलिए इसका सारस क्रेन होगा। तो आपको मैंने यह बता दिया फर्स्ट पेपर का आंसर की टोटली, आप अगर सही से नहीं मिला पाए तो वीडियो को रोक करके भी मिला सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब भी कर लें। अगर पेपर टू का देखना चाहते हैं तो पेपर टू का वीडियो के नीचे मिल जाएगा लिंक, या फिर हमारे चैनल पर जा सकते हैं भोजपुरी यूट्यूब पर क्लिक करेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां पर वीडियो पर क्लिक करेंगे सभी वीडियो आपके सामने होगा, उसमें से पेपर टू होगा उस पर क्लिक करके अपना देख लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनके लोग अपना आंसर की मिला पाए। आंसर की जो है 17 तारीख को यानी 17 जनवरी को जो है आएगा, लेकिन तो उसमें मिलाने के लिए नहीं आएगा, मिलाने के लिए आएगा लेकिन उतना सही पता नहीं आएगा, नया ऑब्जेक्शन भी करने के लिए आएगा, तो आप आज ही मिला लें। और रिजल्ट इसका जो है 7 फरवरी से पहले आ सकता है या फिर 7 फरवरी